हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि विंडोज़ में कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र खोलना है और इस वेब ब्राउज़र में सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे पाइथन को। तो गूगल में अगर आप पाइथन सर्च करते हो तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स पाइथन के मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ऑफिशियल पेज से ही आप पाइथन को इंस्टॉल करें। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है python.org, ये पाइथन का ऑफिशियल पेज है। तो जो भी अपडेट्स, जो भी रिलीज पाइथन की आती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है python.org पे। तो ये आपका पाइथन का वेब पेज खुल गया है, ऑफिशियल पेज खुल गया है। यहाँ पे से पूरी पाइथन के बारे में, इसकी कम्युनिटी, इसका डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड सेक्शन से सारी की सारी जितनी भी अभी तक वर्जन्स आए हुए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सक्सेस स्टोरीज इसकी चेक कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं पाइथन को। तो जैसे ही मैं डाउनलोड टैब पे जाता हूँ तो डाउनलोड टैब में ऑल रिलीज, अभी तक की जितनी भी रिलीज होंगी वो यहाँ पे ऑल रिलीज में आपको मिल जाती हैं। विंडोज से रिलेटेड जितनी भी रिलीज हैं वो विंडोज पे, मैकओएस से यहाँ पे ले सकते हैं आप, अदर प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हैं। फिलहाल हम विंडोज पे काम कर रहे हैं। तो डाउनलोड सेक्शन पे जाके जैसे ही आप जाते हो तो ये बाई डिफॉल्ट आपको जो पाइथन की लेटेस्ट रिलीज है वो इस पोर्शन पे आपको दिखाता है, ये जो जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पाइथन 3.8.5, ये आपकी पाइथन की लेटेस्ट रिलीज है, लेटेस्ट वर्जन है। तो हम इसी को डाउनलोड करें तो मैं सीधे डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल में ना जाके यहाँ पे सीधे डाउनलोड करता हूँ इसको। तो पाइथन 3.8.5 में आप जैसे ही यहाँ पे इसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ये पाइथन आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई। और ये मेरी पाइथन डाउनलोड हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा। अब देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है इसको। तो जैसे ही आप इस exe फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये exe फाइल एक विंडो आपको खोल के देती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 32 बिट सेटअप, बाय डिफॉल्ट इसका 32 बिट सेटअप ही चलता है। इंस्टॉल पाइथन 3.8.5, ये इसकी जिस वर्जन को आप इंस्टॉल कर रहे हो वो लिखा हुआ है, 32 बिट सेटअप है इसका। सेलेक्ट इंस्टॉल नाउ टू इंस्टॉल पाइथन विद डिफॉल्ट सेटिंग और चूज कस्टमाइज टू इनेबल और डिसेबल फीचर। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन ये देता है, या तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। तो इंस्टॉल नाउ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये डिफॉल्ट वर्जन पाइथन का दे देता है। नॉर्मली इसी पे अगर आप लोग काम करें, अभी आपकी स्टार्टिंग है इस पे, इसी पे अगर काम करें तो अच्छा है। बिगनर्स के लिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी आपको इंस्टॉल करके दे देता है, आपको अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाते हो तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के थ्रू में आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको आइडियली चाहिए कि नहीं चाहिए। आप यहाँ से अनचेक कर दोगे तो आइडियली नहीं मिलेगा, पेप आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस जो करेंगे, हम इंस्टॉल नाउ डिफॉल्ट वर्जन बिगनर्स के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले ध्यान रखिएगा जो ये लास्ट लाइन आपको दिख रही है, एड पाइथन 3.8 टू पाथ, ठीक है, इसको चेक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसे चेक नहीं करते हो तो होगा क्या कि पाइथन का जो पाथ है, यानी पाइथन इंटरप्रेटर का जो पाथ है वो आपको फिर मैन्युअली सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से जावा में आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया करते थे तो उस तरीके वहां पे ये सेट करना पड़ेगा मैन्युअली जाके। और अगर आप यहाँ पे एट पाइथन 3.8 टू पाथ कर देते हो, उसको चेक कर देते हो इस चेकबॉक्स को, ये जैसे मैंने किया है, तो अब ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपका पाथ सेट करके दिखा देगा आपको। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसका पाथ आपको अलग से सेट, अगर मैन्युअली करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, वो भी करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं। तो चेकबॉक्स चेक हो गया तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली मेरा पाथ सेट हो जाएगा। और उसके बाद जाके मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इंस्टॉल कर रहा है पाइथन को। तो ये आपकी इंस्टॉलिंग प्रोग्रेस बार है, ये आपकी पाइथन इंस्टॉल हो रही है। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है हमें वेट करना होगा। लगभग पूरी होने वाली है पाइथन इंस्टॉल। आपके टीक इंटर, आपका टीके को इंस्टॉल कर रहा है। टीक इंटर एक प्लेटफॉर्म है इसका जीयूआई के लिए। अभी आपकी पीआईपी इंस्टॉल कर रहा है। पीआईपी के थ्रू हम लोग कोई भी लाइब्रेरी, अगर मेरे को एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चाहिए होती है तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं हम लोग पाइथन में। आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से पिप के थ्रू हम लोग कोई नई लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रहा है, पिप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो रही है इस टाइम पे। वो लगभग 1 से 2 मिनट ये लेता है इंस्टॉल होने में। हाँ, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा ये देखता है सेटअप वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, आपका जो सेटअप आप इंस्टॉल कर रहे थे आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, आपको कुछ और काम करने की जरूरत नहीं होती, सबसे इजी इंस्टॉलेशन है इसका।
आपकी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ से आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो, या डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो इन पे क्लिक कर देंगे, तो ये नेट से अगर कनेक्ट हैं आप तो ये आपको क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे भेज देगा। क्लोज, आपका पाइथन जो है इंस्टॉल हो चुका है। चेक कैसे करना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब रन पे जाएंगे आप तो रन पे जाके आपने लिखना है CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है अपना। कमांड प्रॉम्प्ट में आपका ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट पे जाके आपको लिखना है पाइथन। प्रॉम्प्ट पे जाके पाइथन लिखेंगे, पाइथन करके एंटर जैसे ही करते हैं तो ये आपको क्या करेगा, पाइथन प्रॉम्प्ट पे पहुंचा देगा। यानी देखिएगा, पाइथन 3.8.5 जिस वर्जन को हमने पाइथन का इंस्टॉल किया था वो वर्जन आपके पास आ गया है। किस डेट और किस टाइम को ये रिलीज हुआ था, जुलाई 20, 2020 को ये रिलीज हुआ था, 3:43:28, यानी 3:43 PM पे ये आपका जो पाइथन थी ये रिलीज हुई थी, पाइथन 3.8.5। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे देता है। अब ये देखिए, जो तीन आपके राइट एंगुलर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं ये हैं आपके पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली आपकी पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, आप काम कर सकते हो। और जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो डिफॉल्ट वर्जन, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए आइडियली एक कमांड चला के देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मेरे को क्या करना है कि कुछ एक कैलकुलेशन करनी है, मैंने कहा 56 + 78 789। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका रिजल्ट आपको दिखा देगा 845, ठीक है। तो इसका मतलब है पाइथन आपकी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसका आइडियली वगैरह जो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकते हो, रन पे जाइएगा और आपके यहाँ पे पाइथन जैसे रिसेंटली एडिट पाइथन 3.8, अभी जो हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल करी थी तो वो रिसेंटली एडिट पे दिखा दे रहा है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाता तो नीचे इसमें जाके सर्च कीजिएगा पाइथन पे, पी पे, ये पाइथन आ गई आपकी पाइथन 3.8, ठीक है। आइडियली आइडियली क्या है, पाइथन का GUI एप्लीकेशन है यहाँ पर, आप पाइथन की कोडिंग यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, इसको भी आप खोल सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ से भी आपका पाइथन प्रॉम्प्ट, वही सारी चीजें जो कमांड प्रॉम्प्ट पे मिली थी वही सारी यहाँ पे भी मिली है। तीन एंगुलर ब्रैकेट्स, जो राइट एंगुलर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, ये हैं आपके पाइथन के प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।